बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के घर में खुशी का माहौल है और खुशियां हो भी क्यों ना, मौका ही कुछ ऐसा है। दरअसल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्लीन चिट दे दी है। बता दें कि साल 2021 में आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग केस में 26 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कई कोशिशों और सुनवाई के बाद आर्यन को जमानत मिल गई थी और अब इस मामले में एनसीबी से क्लीन चिट मिलने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा, आर्यन खान मामले में एकमात्र अच्छी बात ये है कि वो एक सेलिब्रिटी शाहरुख खान का बेटा है। इसने बेकसूर लोगों को उत्पीड़न के अधीन करने वाली कई एजेंसियों की अक्षमता और लापरवाही को उजागर करने में काफी मदद की, जो आम लोग नहीं कर पाते। वहीं केआरके ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया। केआरके ने लिखा, आखिरकार आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई। अब 26 दिनों तक आर्यन खान की पीड़ा का जिम्मेदार कौन और उन जजों का क्या जिन्होंने एक मासूम को जमानत नहीं दी? बिना कोई अपराध किए किसी को जेल नहीं जाना चाहिए। तो वहीं एक्ट्रेस निर्देशक पूजा भट्ट ने भी इस मामले में अपना रिएक्शन दिया और पूजा भट्ट ने ड्रग्स छापे का नेतृत्व करने वाले पूर्व जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े का मजाक उड़ाया। पूजा ने ट्वीट करते हुए लिखा, समीर कौन, सॉरी कहां, आहा शायद कहीं और एक पब्लिसिटी हासिल करने में बहुत बिजी हैं। आखिरकार इतनी गंदगी जो साफ करनी है, और इन सभी में से कम भ्रष्ट से बेहतर कौन समाज को सभी बुराई और सड़न से ठीक कर सकता है। इस समय को छोड़कर किसी भी सेल्फी की अनुमति नहीं है। दूसरे ट्वीट में पूजा ने फैसले की तारीफ की और ट्वीट करके जूनियर खान का समर्थन किया। कठिन समय टिकता नहीं है, कठिन लोग टिकते हैं। समय सभी घावों को भर देता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाकी लोग भी आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने से काफी खुश हैं और शाहरुख खान की फैमिली को बधाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।